अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान उनके साथ खूब आनंद उठाया और वे इस दौरे से बेहद खुश हैं। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने की। व्हाइट हाउस से जारी बयान में ओबामा ने खुशी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी का यह दौरा भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। मोदी यात्रा के बाद भारत अमेरिका के भविष्य के संबंधों के बारे में पूछे जाने पर ओबामा के प्रेस सचिव जोस आर्नेस्ट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति बेहद प्रसन्न हैं और मोदी से निजी रूप से मिलने के अवसर को महत्व देते हैं। आर्नेस्ट ने मीडिया से कहा कि वह भारत और अमेरिका के संबंधों की मजबूती की गहराई को दर्शाता है कि किस तरह से दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर साथ साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुद्दा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के बीच जितने मजबूत संबंध होंगे हमारे बीच सहयोग भी उतना ही होगा। बताया कि उन्होंने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री ने एक साथ ओवल ऑफिस में बैठकर साझा हितों और दोनों देशों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। प्रेस सचिव ने कहा कि भारतीयों ने यह भी देखा कि राष्ट्रपति मोदी के साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल गए। मुझे लगता है कि दोनों देशों के साझा मूल्यों के बारे में स्पष्ट संदेश भेजता है। यह हमारे दोनों लोकतंत्र की सफलता में साझा हितों को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट।